आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उठाते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसे शॉर्ट में पीएलसी का नाम भी हम दिया करते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या है ये लाइफ साइकिल? ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज ए यूजफुल कॉन्सेप्ट फॉर गाइडिंग द स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है। ये अपने आप में एस शेप कर्व माना जाता है। सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, दिखाओ। देखो भाई, ये रहा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ए एस शेप कर्व, जिसकी टाइम और सेल्स के बीच में चार स्थितियां हैं। इंट्रोडक्शन पहला, ग्रोथ दूसरा, मेच्योरिटी तीसरा, डिक्लाइन चौथा। और ये शेप कैसा है, तो इसको कहते हैं एस शेप, एस शेप कर्व, एस शेप कर्व कहा जाता है इसको। बात आई क्या समझ में सबको? चार स्थितियां, इंट्रोडक्शन मतलब मार्केट में नया नया है, स्लो ग्रोथ है, उसके बाद ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ है टाइम के साथ में, सेल बढ़ेगी, फिर मेच्योरिटी, सेचुरेशन पे पहुंच गए, और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होता है। सेचुरेशन मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन आता है। तो इंट्रोडक्शन में धीमा है, ग्रोथ में तेज है, मेच्योरिटी में सेचुरेशन पे पहुंच रहा है, हाईएस्ट पीक पॉइंट अचीव कर रहा है, और उसके बाद में डिक्लाइन आता है। जिंदगी की चार स्थितियां, जैसे हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचार्य आश्रम, अगले 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, अगले 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम। यहाँ क्या कहते हैं, आप जिंदगी से विरक्त हो गए, अब आप हर चीज से मुक्त हो जाओ, पैसे मोह माया से, परिवार से मुक्त हो जाओ, और अपने भजन पूजन में टाइम लगाओ। और लास्ट होता है डिक्लाइन, जब आपके शरीर में डिक्लाइन आता है, आपकी एजिंग होती है, झुर्रियाँ आ जाती है, शरीर जो है वो अच्छे से काम नहीं करना पड़ता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाया करती है, डिक्लाइन आती है, और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होता है आदमी। तो वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल है, इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ आती है, मेच्योरिटी आती है, और डिक्लाइन आती है। तो जीवन की अवस्था से इसको कंपेयर किया जा सकता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ए एस शेप कर्व, जिसकी चार स्थितियां होती है सेल्स और टाइम के बीच में। अगर ग्राफ खींचा जाए तो इंट्रोडक्शन, स्लो ग्रोथ, ग्रोथ में तेजी से ग्रोथ, मेच्योरिटी में सेचुरेशन, और डिक्लाइन में हम लोग वापस से ग्राफ को नीचे गिरता हुआ देखते हैं। तो ये डायग्राम भी अपने हाथ से बनाना सीख लो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं अपन, आज का ये लास्ट टॉपिक है जिसको पढ़ के आज खत्म करेंगे। कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे और मैं मान के चलता हूँ 2 क्लासेस हमें इसके बाद और चाहिएंगी। हम ये यूनिट को थ्योरेटिकली पढ़ के खत्म कर देंगे, और फिर 5वें और अंतिम क्लास में इस यूनिट के हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजें कर लेंगे, एमसीक्यू कर लेंगे, केस सिनारियो कर लेंगे, और डिस्क्रिप्टिव कर लेंगे। तो जैसा हमने टारगेट बना रखा है, हर 5 जो है वो लेक्चर्स में हम अपना चैप्टर खत्म करते चलेंगे। ऑलमोस्ट 10 आवर्स के आसपास हमें एक चैप्टर में लगने हैं, सबका इक्वल वेटेज है। बस ऐसे करते चलें, सब्जेक्ट आपके पूरे पकड़ में है, आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। मैं अगर याद कराऊं तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, हमने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पढ़ लिया, जिसमें फॉर्मुलेशन में कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे हम फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने बिजनेस और एनवायरनमेंट का डिस्कशन किया। एनवायरनमेंट 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल 2 तरीके के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। फिर इसके अंदर हमने पेस्टल एनालिसिस भी पढ़ा। पेस्टल एनालिसिस के बाद में हमने कंपनियाँ क्यों ग्लोबल होती है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के बारे में, और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। बात आई क्या समझ में? तो सारी चीजें दिमाग में हमारे फिट बैठती चली जा रही हैं, हर टॉपिक हमें समझ में आ रहा है। अगर चैप्टर के ओवरव्यू को याद करें तो हम देख रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग है, अगले 1-2 दिन में पूरा का पूरा चैप्टर ही हम फिनिश कर देंगे, और उसके बाद हम आपको करवाएंगे सिंगल डे में एमसीक्यू, केस सिनारियो और डिस्क्रिप्टिव। और इस तरीके से अगली कुछ दिनों की क्लासों में, मतलब 5-5 क्लासें हर यूनिट के लिए निर्धारित की है हमने, तो ऑलमोस्ट 10-10 आवर्स में हम लोग एक एक चैप्टर फिनिश करते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के 50 से 60 घंटे का आपका ये कोर्स है, और इसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। मैं ही रिवाइज करा दूंगा आपको बहुत जल्दी में। क्लास में तो कर ही रहे, आप भी इसे घर पर कर सकते हैं और अपनी रोज की कॉपी बनाते चले। आज जो हमने वर्त्रासर वर्चुअल्स का एक ग्रुप बना रखा है, कम्युनिटी ग्रुप, उसमें मैं वो हैंड रिटन नोट्स भी डाल दूंगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको अपने हाथ के नोट्स बनाने हैं 200 पेज के रजिस्टर पर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आइए पीएलसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीएलसी
ठीक है, एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये गाइड करता है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनाने में। ये एक एस शेप कर्व होता है जो कि रिलेशनशिप बताता है ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके किसके बीच में है? सेल्स और टाइम के बीच में है, जहां प्रोडक्ट पास करता है हमारी चार सक्सेसिव स्टेजेस को। कौन कौन सी? इंट्रोडक्शन पहली, ग्रोथ दूसरी, मेच्योरिटी तीसरी, डिक्लाइन चौथी। चार स्टेजेस से निकलता है। इफ बिजनेस आर सब्सटीट्यूट फॉर प्रोडक्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ PLC कुड वर्क जस्ट एज वेल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइए एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेज जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ PLC इज इंट्रोडक्शन स्टेज। कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, जिसको हम स्लो सेल्स ग्रोथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपन स्लो सेल्स ग्रोथ कहते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ती है। कैसे आगे बढ़ती है? ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो सेल्स ग्रोथ जो होती है इंट्रोडक्शन में, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहली स्टेज जो PLC की होती है वो हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, जिसमें सेल्स हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इन विच कॉम्पिटिशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम होता है, प्राइसेस रिलेटिवली हाई होती है, मार्केट्स जो है हमारे लिमिटेड होते हैं। तो तीन चीजें हमारी, कॉम्पिटिशन जो है हमारा नेग्लिजिबल है, प्राइसेस जो है हमारी हाई है, और मार्केट्स जो है हमारे वो लिमिटेड है। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पहली स्टेज इंट्रोडक्शन कहलाती है, ये स्लो सेल्स ग्रोथ कहलाती है। इसमें कंपटीशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसमें प्राइसेस रिलेटिवली हाई होती है, इसमें मार्केट हमारा लिमिटेड होता है। ये याद रखना है हमारे को। द ग्रोथ इन द सेल्स इज लो रेट क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती। क्यों होती है? लोगों को पता ही नहीं होता ऐसा कोई प्रोडक्ट आया हुआ है। एज ए पार्ट ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के हिसाब से उनको अवेयरनेस नहीं होती कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है, तो धीमे धीमे ही खरीदा जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। दूसरी स्टेज जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंड स्टेज ऑफ PLC इज द ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होती है। लोग आपके बारे में ज़्यादा जानने लग जाते हैं तो खरीदना शुरू कर देते हैं। ये हमारी ग्रोथ स्टेज है, जहाँ डिमांड एक्सपेंड करती है रैपिडली, डिमांड तेजी से बढ़ती है, प्राइस फॉल होता है, कॉम्पिटिशन के कारण प्राइसेस कम होते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ता है और मार्केट एक्सपेंड करता है, मार्केट भी बड़ा होता चला जाता है। कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी और नॉलेज हो जाता है और वो उसको खरीदने का भी इच्छुक होता है। तो ग्रोथ स्टेज पे कंपटीशन बढ़ता है, प्राइस गिरता है, मार्केट एक्सपेंड करता है और नए कॉम्पिटिटर आते हैं, डिमांड बढ़ती है, मार्केट में एक्सेप्टेंस बढ़ती है। ये सेकेंड स्टेज होती है। तीसरी स्टेज जो होती है हमारी, थर्ड स्टेज ऑफ PLC, उसको अपन कहते हैं मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज में स्लो डाउन हो जाती है ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें क्या होती है? स्लो डाउन हो जाती है। इंट्रोडक्शन में तो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रही है, इसमें धीरे धीरे अब कमी आएगी, ग्रोथ में कमी आएगी। इसमें कॉम्पिटिशन जो है वो टफ होता चला जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत हो जाएंगे। यहाँ तक मार्केट जो है वो स्टेबल हो चला होगा, मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे नहीं, जो हैं वही खरीदने वाले हैं, और इसमें प्राइस वॉर आप देखेंगे, प्रॉफिट नीचे आते हैं, प्रॉफिट कम्स डाउन, कंपटीशन स्टिफ हो जाया करता है। इस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखनी पड़ती है प्रोडक्ट और प्राइसेस को लेके, वरना उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो तीसरी स्टेज पे हम धीरे धीरे क्या करते हैं? नीचे ग्रोथ को कम होते हुए देखा करते हैं। यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, मार्केट स्टेबल होगा, प्राइसेस और प्रॉफिट कम होंगे, कंपटीशन स्टिफ हो जाएगा, हमें अपनी स्थिति को बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आती है चौथी स्टेज, फोर्थ स्टेज ऑफ PLC। इसको हम कहते हैं शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड, डिक्लाइन होता है, इसमें डिक्लाइन होता है हमारा। सेल्स और प्रॉफिट जो होते हैं शार्पली गिरते हैं, प्रॉफिट्स गिरते हैं, और यहाँ प्रोडक्ट हम रिप्लेस करते हैं एग्जिस्टिंग को। कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी का हम उपयोग करते हैं बाय डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ हम क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट का प्रयोग करते हुए दूसरे क्षेत्रों में जाने की कोशिश करते हैं, यहाँ से पैसा निकाल लिया करते हैं। मेन एडवांटेज जो PLC की है वो क्या है? पोर्टफोलियो का अपना प्रोडक्ट और बिजनेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको अटेंशन देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में है उनमें तो और आगे बढ़ना है, लेकिन जो मेच्योरिटी और डिक्लाइन पे आ चुके हैं उनसे हमें निकलना चाहिए। तो पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक अच्छा अप्रोच हो सकता है कि इंट्रोडक्शन और ग्रोथ पे हमें अच्छी सेल मिलेगी, प्रॉफिट हम कमाएंगे, लेकिन मेच्योरिटी और डिक्लाइन पे हमें बाहर निकलना होगा, क्योंकि यहां से पैसा कमाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो ये चार स्टेजेस हैं जिनको हमने देखा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन। बात आई क्या सबको समझ में? तो पर्टिकुलर अटेंशन हमें देना पड़ेगा बिजनेस कौन सी स्टेज में है। डिपेंडिंग ऑन दिस डायग्नोसिस, आप फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं, फोर्थ पे हैं,
अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनानी पड़ेंगी. फॉर इंस्टांस एक्सपेंशन मे बी फिजिबल ऑल्टरनेटिव फॉर बिजनेस इन द इंट्रोडक्टरी एंड ग्रोथ स्टेज. आप एक्सपेंड करिए अगर आप पहली और दूसरी स्थिति में हैं. मिच्योर बिजनेसेस मे बी यूज एज ए सोर्स ऑफ कैश फॉर इन्वेस्टमेंट जब आपको रिसोर्सेज चाहिए. कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग रिट्रेंचमेंट जब आप डिक्लाइनिंग स्टेज में होंगे. तो आप देखें हर एक में अलग अपना रहे हैं. एक्सपेंशन अपना रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में पीएलसी के. मेच्योरिटी आप अपना रहे हैं जब आप थर्ड स्टेज पे होंगे. जब आप कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं जब आप फोर्थ स्टेज पे होंगे. तो सब पे आप अलग अलग करते हैं. तो आप देखें इंट्रोडक्शन फर्स्ट और सेकंड पे आप क्या अपना रहे हैं ग्रोथ. मेच्योरिटी पे क्या अपना रहे हैं आप मेच्योरिटी पे क्या अपना रहे हैं आप स्टेबिलिटी जैसा चल रहा है वैसा चले. और डिक्लाइन पे क्या कर रहे हैं आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं. कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे हैं हार्वेस्ट कर रहे हैं आप या रिट्रेंच कर रहे हैं आप. तो अलग अलग चॉइसेस आप बनाते हैं पीएलसी के अनुसार. इंट्रोडक्टरी और ग्रोथ स्टेज पे आपको एक्सपेंड करना चाहिए ग्रोथ में जाना चाहिए. तो एक्सपेंशन और ग्रोथ अपनाएंगे. और जब मैच्योरिटी पे आ जाते हैं तो फिर ये एक रिच कैश रिच बिजनेस हो जाता है. तो आप क्या करेंगे मैच्योरिटी पे आप स्टेबिलिटी चाहेंगे और डिक्लाइन पे आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जहां आप हार्वेस्ट भी कर सकते हैं आप रिट्रेंच भी कर सकते हैं. तो ये था हमारा पीएलसी का कॉन्सेप्ट. मैं होप करता हूं आज की ये क्लास हमेशा की तरह आपके लिए मेमोरेबल एंजॉयबल और बहुत ही कहना चाहिए समझदारी वाली क्लास रही होगी. अब आज अपन यहीं रखते हैं. अब कल जब हम शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ लिया है सेल्स और टाइम के बीच में चार स्टेजेस का ग्राफ है उसके बाद का अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पॉर्टर.